आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया के साथ विभिन्न अष्टफलकीय संकुल बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा सिल्वर नाइट्रेट के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पर क्लोराइड आयन परीक्षण नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा, जो कोबाल्ट 3 आयन है ना, प्लस 3 आयन, ये कैसा है? अष्टफलकीय संकुल है। अष्टफलकीय संकुल है। अष्टफलकीय संकुल का मतलब होता है जिसका समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या 6 होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि सिल्वर के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्लोराइड आयन नहीं बनाएगा, इसका मतलब 110% उसमें क्लोरीन बाहर नहीं होना चाहिए। संकुल के अंदर ही क्लोरीन होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि संकुल के जो अंदर होता है वो आयनीकृत नहीं होता है, लेकिन अगर संकुल के बाहर में क्लोरीन आ गया तो आयनीकृत हो जाता है। तो देखते हैं कि किस संकुल में हमारा क्लोरीन बाहर नहीं आ रहा है। तो पहला वाला के लिए जब बनाएंगे तो कोबाल्ट, ठीक है, 4 अमोनिया अंदर रखते हैं, NH3 का होल पोर अभी पूरा नहीं हुआ, अष्टफलकीय का मतलब 6 होता है समन्वय संख्या, अभी 4 हुआ है, तो 2 क्लोरीन से पूरा कर देंगे, समन्वय संख्या 6 हो गया और 1 क्लोरीन बच गया तो बाहर लग जाएगा। अगर दूसरे वाले का देखें तो इसमें 5 अमोनिया पहले अंदर ले लेंगे, जितना पॉसिबिलिटी है पहले अमोनिया को ही लेना है। हाँ, अभी 1 क्लोरीन बच, क्योंकि अभी समन्वय संख्या 6 नहीं हुआ, 1 कम है तो क्लोरीन से पूरा करेंगे, 2 क्लोरीन बच गया तो बाहर आ जाएगा। तीसरा कोबाल्ट, यहाँ पर सी वाले में 6 अमोनिया, 6 अमोनिया अंदर आ जाएगा, समन्वय संख्या पूरा हो गया 6, तो 3 क्लोरीन बचा तो बाहर का बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि समन्वय संख्या पूरा हो चुका है। और चौथा अगर देखें तो कोबाल्ट 3 ही अमोनिया, तो 3 अमोनिया अंदर ले लीजिए, अब इसका समन्वय संख्या पूरा नहीं है, 3 कम है, तो 3 क्लोरीन अंदर आ जाएगा, तो बाहर में कोई क्लोरीन नहीं है। तो बताइए, हमसे बोला गया है कि लास्ट वाला, ये वाला तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बाहर क्लोरीन है, लेकिन लास्ट वाला में कोई क्लोरीन नहीं है, अतः मैं इसी को लिख लेता हूँ, अतः यह आयनित नहीं होगा, अतः यह Cl- में आयनित नहीं होगा, जिससे वो क्या होगा, Cl- का परीक्षण नहीं देगा, जिससे Cl- का परीक्षण नहीं देगा। तो हमसे पूछा गया था कि Cl- का परीक्षण कौन नहीं देगा, सिल्वर से अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराने पर, तो पहला वाला परीक्षण दे देगा क्योंकि क्लोरीन बाहर है, यहाँ से 1 मोल AgCl बन जाता। अगर दूसरे वाला में अभिक्रिया कराएंगे तो 2 क्लोरीन बाहर है तो 2 मोल AgCl बन जाएगा, और तीसरे वाले में 3 मोल AgCl बनेगा, लेकिन चौथे वाले में कोई क्लोरीन बाहर नहीं है, सारा का सारा अंदर है, तो अंदर का कोई भी क्लोरीन आयनीकृत नहीं होता, वो बाहर वाला ही होता है, तो चौथे वाले में कोई भी AgCl नहीं बनेगा, इसलिए परीक्षण नहीं देगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।